हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो में जीएस के कुछ प्रश्न हैं जीके के, जो अभी हाल ही फिलहाल में डीएसएसपी के द्वारा दास के एग्जाम में लिए गए थे, वही प्रश्न है इसमें से कुछ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं इसी तरह का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें और सारे प्रश्न होंगे जो आपको डीएसएसपी ने कराए थे अभी कंडक्ट। इस वीडियो बनाने का आपको एक ही है कि अगर अभी आने वाला जो भी एग्जाम है डीएसएसपी के, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप बस ये समझ लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो जीएस में दे रहे हैं, ताकि आप उसी के अनुसार प्रिपरेशन करें। अभी दास ग्रेड 4 का हो या फिर एलडीसी का हो या फिर आपको नर्सिंग का हो, कई तरह के एग्जाम अभी डीएसएसबी लगातार ले रहा है, तो आपको इसमें जीएस के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो सबके लिए है जो अभी डीएसएसबी का, आपको जो भी एग्जाम किसी भी तरह का एग्जाम दे रहा है, तो सब में हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों, डीएसएसपी ने आपको जो आंसर शीट अपना देता है वो है, और ये जो आंसर है वो आपको डीएसएसपी का ही आंसर है। तो व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन परसेंटेज ऑफ CO2 इमिशन ग्लोबली एज पर द स्टडी ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इन 2017। देखिए, ये आपको अभी एग्ज़ाम लिया गया 2019 में, लेकिन करेंट आपको 2017 का भी पूछा जा रहा था, तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आप एक साल का तो कम से कम प्रिपेयर करके जाएं। अब दो साल पहले पूछेगा तो खैर इसका आंसर किसी को याद नहीं रहता, वैसे इसका आंसर आपको 4th है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द पाल डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन इंडिया। पाल वंश जो आपने सुना था वो बता, इसमें पूछा जा रहा है कहाँ का था, तो आपको बंगाल का था पाल वंश, बंगाल और बिहार में इन्होंने शासन किया था, गोपाल इस वंश के संस्थापक थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड ए पुच्ची कमीशन इन 2007 टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन सेंट्रल स्टेट। पुच्ची आपको आयोग जो है केंद्र राज्य से संबंधित है, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ग्रीन हाउस गैस इज द मोस्ट एबंड एमोंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेज इज द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। वाटर वेपर इसका आंसर है। दोस्तों, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर दें। अगर आपको इस तरह का वीडियो भी पसंद आए तो मैं फिर और बनाऊंगा, अगर आप लोग को आप लोग डिमांड करेंगे तो। हाउ मनी लैंग्वेजेज आर रिकोगनाइज बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 22 भाषा है भारत के संविधान में, तो ये आपको ध्यान देने की बात है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हु इज़ द प्रजेंट इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर और टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी आपको कृष्णमूर्तैया सुब्रमण्यम जी है। द आर्टिकल्स 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एसोसिएटेड विथ विच फंडामेंटल राइट। ये आपको पूछ रहा है कि आर्टिकल जो आपको 25 से 28 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में किस आपको संवैधानिक अधिकार की बात करता है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ये बात करता है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विच इज प्लेइंग 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो देखिए, ये आपका भी वर्ल्ड कप का लेटेस्ट था, जब एग्जाम हो रहा था तो उस समय वर्ल्ड कप आपको उस समय लेटेस्ट था, तो मनीष पांडे आपको टीम में शामिल नहीं थे, आपको समी थे, शंकर थे, दिनेश कार्तिक, तीनों आपको वर्ल्ड कप में शामिल थे। द टीम बोस्टन रेड सॉक्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये आपको बेसबॉल होगा। देखिए दोस्तों, मैं अभी जितने भी क्वेश्चन देखा हूँ, आपको जो खेल की शब्दावली होती है कि ये आपको वर्ड किस खेल से संबंधित है, लूसेंट में आपको जाइएगा, मिसलेनियस में तो दिया रहता है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी इसमें। खान पान, स्पेशल जो कपड़े होते हैं, वो सब भी काफ़ी डीएसएसबी में पूछे गए थे, वो भी हम लोग आगे देखते जाएंगे। विच एनिमेटेड मूवी वॉन ऑस्कर अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट ऑस्कर 2018। तो कोको इसका आंसर होगा। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टॉपसन्स। टॉपसन के से हम लोग इसको ओजोन का जो है आपको मोटाई नापते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड। किसके शासनकाल में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको स्थापना हुई थी, यही क्वेश्चन है आपको। लॉर्ड डर्फिन के काल में हुई थी 1885 में, एम के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ए बिल डैट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। जुडिशियल बिल, बाकी ये सभी आपको पास होती है, न्यायिक बिल आपको नहीं होती है। विच कंट्री हैज़ वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन
दिल्ली ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों देखिए ये 2010 का कॉमनवेल्थ का भी दिया हुआ था क्वेश्चन, आपको 2012 का क्वेश्चन दिया था, 17 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से उठाकर डाला गया था, इन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सेट नहीं किया था, कुछ करंट के क्वेश्चन आपको थे, बाकी इन्होंने लग रहा था कि कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन का किए हुए थे। मुझे आपको क्वेश्चन देखकर यही फील हुआ, नहीं तो ये सब क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं था, 2017 का क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं था। विच मौर्य एम्पायर इज नोन द अमृत घटाक डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्स, बिंदुसार, बिंदुसार को कहा जाता है। विथ विच रेवोल्यूशन इन इंडिया डू यू एसोसिएटेड वसुदेव बालवंत पटाके, रामोसी मोमेंट। रामोसी मोमेंट दोस्तों आपको महाराष्ट्र में हुआ था, रामोसी मोमेंट इस स्थान पे हुआ था, ठीक है, पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र साइड में जो पश्चिमी घाट पड़ता है वहाँ आपको रामोसी मोमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा गया था, वासुदेव बलवंत जी इसके आपको लीड कर रहे थे। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड और डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से कौन सा आपको लिया गया था, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्यूडिशियल रिव्यू और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर आपको ये थे, और आपको जो आपको ये नीति निर्देशक तत्व जो है वहाँ से भी ये लिया गया था। तो अर्थ आवर ए ग्लोबल इन्वायरमेंट इवेंट वाज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ये आपको इनिशिएट करता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। इसरो हैज रिसेंटली अनाउंसड लॉन्च ऑफ सैटेलाइट RISAT-2BR1, वाट इज द नेम ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल विच वी विल यूज टू लॉन्च RIST-2BR1। तो PSLV C-46, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में हुआ था, तो ये आपको करेंट का आपको क्वेश्चन था। हु वॉज द सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुंदर रमन आपको थे सेकेंड, पहले आपको एस कुमार सेन थे, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाट वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 20-point TPP प्रोग्राम इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरिगेट पॉवर्टी एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इसका आंसर होगा। आप लोग बस ये दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग एक बार जान लें कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB के द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने इसी तरह का हिंदी का वीडियो बनाया था तो कई छात्रों ने कहा कि आप एक GS का भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दिया। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एयर ट्रॉपिक्स, ये कहाँ आपको इसका हेडक्वार्टर है, तो हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। एक्जिम बैंक जिसको आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा जाता है, ये आपको कब, इसको आपको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 को किया गया था, 1982। इन विच स्टेट इज द आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, इंडिया, देखिए आंध्र प्रदेश नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा इसका। द डांस फ्रॉम ध्यामल इज पॉपुलर इन विच ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, हरियाणा, तमिल, देखिए यही मैंने आपको कहा कि कुछ डांस, कुछ आपको फूड, कुछ आपको क्लॉथ, ये सब आपको स्टेट के कुछ कुछ स्टेट के आपको याद करना होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको DSSB में काफ़ी पूछे जाते हैं। द फेमस ऑरेंज रिवर ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, लुसेथो, ऑरेंज रिवर ये आपको अफ्रीका हो गया दोस्तों, ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ साउथ अफ्रीका हो गया, यहीं से आपको साउथ अफ्रीका के में बीच में ही आपको लुसेथो मिलता है। आपने अगर मूवी देखा होगा, एक मूवी आई थी अजय देवगन और संजय दत्त की ऑल द वेस्ट, उसमें लुसेथो आपको नाम सुना होगा, तो यहीं है लुसेथो, तो यहीं से आपको ऑरेंज रिवर आपको बहती है। विच इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत, इसका आंसर होगा। देखिए अब ये 2015 का फिर क्वेश्चन हो गया, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए थे काफ़ी, इसलिए आपको कोशिश कीजिएगा SSC का जो क्वेश्चन आया था वो सब आप ध्यान दीजिएगा, या फिर DSSB का प्रीवियस क्वेश्चन आप खरीद लीजिए या फिर SSC का, तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको कहा जा रहा था कि SSC से सीधा कॉपी पेस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए 2015 का है। साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्लेम डिस्कवरी ऑफ PFTBA, ए ग्रीन हाउस गैस विच इज 7100 टाइम्स मोर पोटेंट देन डैट कार्बन डाइऑक्साइड इन 2015। तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा ये आपको किया गया था।
UNCTAD का आपको फुल फॉर्म पूछा गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपको पूछा गया इसका फुल फॉर्म। तो ये इस तरह के जितने भी संस्थाएं हैं इसका आप लोग फुल फॉर्म जरूर से याद कीजिएगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हेलीकॉप्टर विच इज नॉजी लेस एंड इमिशन फ्री वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन विच कंट्री इन 2013। तो देखिए जर्मनी है इसका आंसर है, देखिए 2013 का। तो दोस्तों जी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं इसको आपको आगे बढ़ जाऊंगा, इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं है। द फेमस हॉर्निबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, आपको देखिए हॉर्निबल फेस्टिवल ध्यान दीजिएगा नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपको पूछा जा चुका है। द ड्रग रिसरपाइन इज यूज टू ट्रीट विद द फॉलोइंग आपको डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये यूज किया जाता है रिसरपाइन जो भी है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन स्कल, फेशियल बोन्स पूछ रहा है कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसी तरह आपको चेस्ट की जो हड्डियाँ होती है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, बैकबोन कितने होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में के, तो ये सबको अलग अलग क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इन विच ईयर द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड, 1863 में, और हम लोग 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फोर्थ प्लान में आपको पंचवर्षीय योजना जो है आपको 5 ईयर प्लानिंग जो इकोनॉमिक्स में था 12th तक हुआ था, 1 से 12th तक, तो आपको इसका जितना भी बेसिक है सबको याद करना पड़ेगा। सियाचिन ग्लेशियर का पूछ रहा है कहाँ लोकेट मिलता है, काराकोरम में आपको ये इंडिया है, यहीं आपको सियाचिन मिलता है, ठीक है। तो वेव लेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे इज 100 से 400 नैनोमीटर्स। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपको विश्वनाथन आनंद के द्वारा ये आपको लिया गया था, पहला खेल रत्न अवार्ड, ये आपको क्वेश्चन अभी हाल ही में UP SSC के द्वारा भी पूछा गया था। द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर आर कॉल्ड, अब देखिए इसका आपको बायोलॉजिकल टर्म है ट्रैंक्यूलिजर्स, लेजर्स, ठीक है। द फॉक पेंटिंग कलामकारी इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश का है आपको कलामकारी, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है रेलवे में काम आ जाए। विच प्लेयर, देखिए 2019 का है तो सही है, विच प्लेयर अमॉन्ग द फिज नॉट इंक्लूडेड इन स्क्वाड विच इज विल प्लेइंग ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, कृणाल पांड्या आपको नहीं थे, इस तरह के दो क्वेश्चन हो चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 98 आपको इसका आंसर होगा। ये जितने भी आंसर है DSSB के द्वारा ऑफिशियल दिए गए हैं। द स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट विथ हाईएस्ट मेंबरशिप इज एस्टिमेट कमिटी। द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज नाउ ए पार्ट ऑफ द विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को दोस्तों पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था यानी संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जो आज का आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। विच स्टेट एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव बाई कैमरल हाउस बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको वेस्ट बंगाल में नहीं है जो आपको दो सदन होते हैं विधानसभा विधान परिषद, आपको बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में नहीं है, इधर जम्मू कश्मीर में भी हैं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज इन सर्टेन केसेज, आर्टिकल 22 में इसका आंसर है। Who among the following was the main priest of Samaved in Indian history? Udgatri. Udgatri आपको जो मेन इसमें जो साधु थे वो सामवेद के वो आपको उद्गाति थे, ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा पूछा जाता है कि कौन से वेद के कौन आपको मेन ऋषि थे। With which game is Sahas Grover associated? चेस से आपको एसोसिएटेड है Sahas Grover, आपको ध्यान देने वाली बात है। द ट्रम्प क्रॉस बार ड्रॉप गोल एंड लॉक्ड फॉरवर्ड आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, रग्बी से ये सब संबंधित है दोस्तों, ये आपको जाइएगा तो लूसेंट में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, किटारम जो भी इसका नाम है आंसर यही है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको 36 से 551 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपको आयरलैंड से लिया गया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव द नोबल प्राइज इन फील्ड इकोनॉमिक साइंस फॉर द 2018 का आपको पूछ रहा है कि
नोबेल पुरस्कार किसको मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो पॉल रोमर को मिला था। हु वॉज रैंक वन एट द मलेशियन ओपन बैडमिंटन 2019 इज इन द वोमेन सिंगल कैटेगरी, ताई जून यूंग, इन्होंने आपको जीता था महिलाओं का सिंगल में। इन द कोर्ट ऑफ विच किंग, इंडियन किंग, चांद बरदई वाज पोएट, पूछ रहा था कि चंद बरदई जो थे वो किसके आपको काल में पोएट थे, आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, उन्हीं काल के ये पोएट थे चंद बरदई। विच ग्रीन हाउस गैस एमोंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी, मिथेन, द वोल्केनो करकाटोई इरप्शन, ये आपको देखिए करकाटोई जो है आपको इंडोनेशिया का आपको वोल्केनो है, ये ध्यान देने की बात है। क्राकाटोआ फर्स्ट इंडियन स्टेट वेयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड इन पावर, केरला में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बनी और वेस्ट बंगाल में काफ़ी समय तक चली थी, और अभी भी केरला और वेस्ट बंगाल दो ही जगह है जहां कम्युनिस्ट पार्टी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। विच डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व एज शौर्य दिवस, वैलोर डे बाय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF के द्वारा किस दिन को शौर्य दिवस घोषित किया गया है आपको 9 अप्रैल को। HEPA फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव एनी एयरबोर्न पार्टिकल्स विद साइज 0.3 माइक्रोन, द फुल फॉर्म ऑफ HEPA इज हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। विच एमोंग द फॉलोइंग हैज एस्टेब्लिश द स्वराज पार्टी 1923, आपको मोतीलाल नेहरू और CR दास जी जो थे इन्होंने आपको 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI वाज रीनेम्ड, आपको क्या हुआ है तो इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड IIBIL आपको 1997 में इसका नाम हो गया था। वेयर इज रानी अवंती बाई लोधी सागर इग्रेटेड प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया, आपको मध्य प्रदेश का ये आपको प्रोजेक्ट है। द डिजीज हाइपोकैलेमिया रेफर्स टू लो अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन आप ह्यूमन ब्लड, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया हो जाता है, पोटेंशियल आपको दोस्तों बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक करने के चांसेस हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइजर्स, आयरन फर्टिलाइजर्स आपको इस फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इज थ्री गॉर्ज, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC का आपको हेड ऑफिस पूछ रहा है, कहाँ है आपको न्यू दिल्ली में, UGC आपको बना था राधा कृष्ण समिति के द्वारा। वाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन, आपको आदित्य L1 आपको है। विच रिसर्च सेंटर इन इंडिया डेवलप इंडिया फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलास्टिक मिसाइल, DRDO के द्वारा आपको ये सब चीज़ें जो इतनी भी हैं आपको रक्षा से संबंधित DRDO के द्वारा बनाई जाती हैं। द केमिकल नेम ऑफ द पॉपुलर पेन किलर टैबलेट एस्प्रिन इज, एस्प्रिन का आपको केमिकल नेम पूछ रहा है। एसिटोसिक बेंजोइक एसिड, आपको इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछे जाते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, एस्प्रिन को आपको केमिकल नेम एसिटोक्सिक बेंजोइक एसिड है। विच कंट्री कैपिटल एमोंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अल्बानिया का लंडन नहीं है, बाकी सबका आपको ये सही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द स्टेचुटरी बॉडी वर्किंग अंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है, ये उसके अंतर्गत ये कार्य करता है सेंसर बोर्ड। इन विच इंडियन स्टेट लवानी डांस इज पॉपुलर, महाराष्ट्र का आपको पॉपुलर है ये। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस IJC एस्टेब्लिश्ड, 1945 में आपको इसकी ये हेडक्वार्टर आपको मतलब ये कहाँ है, हेग में है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग मैग्नीफाइंग पावर इज ऑक्सोमीटर, ऑक्सोमीटर के द्वारा हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का आपको मेजर करते हैं। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द फेमस मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है पूछ रहा है, मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट संगीत नाटक अकादमी, आपको पूछ रहा है संगीत नाटक अकादमी जिसका आपको अवार्ड वगैरह हर साल आता है उसका पूछता भी है, तो आपको पूछ रहा है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1952, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1952 में बहुत चीज़ हुआ था इसलिए आपको एक जगह सब कुछ लिखना होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ रडार डेवलपमेंट बाई इंडियन आर्मी, इंदिरा
which committee appointed by Government of India recommended replacement of MRTP Act with Competition Act? S. Raghavan Committee के द्वारा आपको इसका replacement किया गया, MRTP Act with Competition Act के द्वारा इसको replacement किया गया था. The Todd Memorial Trophy is associated with the following sports. तो पूछ रहा है कि Todd Memorial Trophy आपको किससे है, तो football से है. तो दोस्तों ये जितने भी answer हैं आपको DSSB के द्वारा दिया गया है. तो इसी तरह का आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आपको अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए अलग अलग क्वेश्चन के द्वारा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स.